बर्थडे में आज आपको कौन कौन मौजूद है और आपको किससे सबसे प्रेरित है? बर्थडे में बहुत सारे लोग आए हैं, मैं नाम लेकर ज्यादा क्या, चलो मैं दिखाता हूँ सबको। यहाँ से शुरू करते हैं yes. वीडियो। ये हमारी दोस्त है प्रिया, ये खुशी, राजवीर, सबका वीडियो। राज हेलो यो, शी इज माई फ्रेंड, अजय जी, श्याम, शिवा, शिवा एंड राहुल। और इनका परिचय बताइए, आयुषी जी इनका परिचय बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल छोड़ रहा है, चलता है। अच्छा आयुषी जी ये बताइए, आपने अभी अभी एक ग्रीन सिनेमा में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, उसका बहुत तारीफ हो रहा है, उसके बारे में क्या बताओ? इससे पहले भी एक मतलब लखनऊ में एक विफा में परफॉर्मेंस किया था, वो भी आपका तारीफ हो रहा है। तो उसके बाद आपको लगातार जो लोगों का जो आपका चाहने वाला है उनका आशीर्वाद मिल रहा है, आप क्या कहेंगे दर्शकों के लिए? सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगी, पहले थैंक यू कहना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते। आपका इच्छा क्या है, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं एक अच्छी, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर तो एज एन एक्ट्रेस ही काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्ट्रेस में सारे कैरेक्टर को आप फील कर लेते हैं, अपनी लाइफ आप जी लेते हो सारे कैरेक्टर, तो बाकी लाइफ में आगे का कुछ खास नहीं लगता है। दर्शक आपका जो चाहने वाला बोलते हैं कि आपका डांस बहुत अच्छा है, आप डांस बहुत अच्छा करती हो, क्या आप आगे जाके आइटम सॉन्ग बनना चाहते हो, आइटम गर्ल्स बनना चाहती हो, क्या एक्ट्रेस बनना चाहती हो? और सर आप आयुष के लिए मतलब अगला प्लान क्या करना चाहते हो कि ये मेरा प्लान पूरा, आई वांट टू सी लाइक अ प्रोड्यूसर। अच्छा, अरे बहुत बड़ी खबर, अगर आयुष ही आप एक्ट्रेस से प्रोड्यूसर बने, आज है ना आपके बर्थडे में आपका ऐलान हुआ कि प्रोड्यूसर बने, तो पहला कैसा फिल्म बनाना चाहते हो आप? समथिंग रोमांटिक, लाइक एन रोमांटिक। कैसे फिल्म? रोमांटिक फिल्म। अच्छा, रोमांस तो रोमांटिक फिल्म होना चाहिए। किस तरह का रोमांस होना चाहिए वो? अच्छा, आपको एक अवार्ड आया, आपको एक अवार्ड आया अभी जो बोल्ड दिया गया, हाँ मतलब वो गलती से हुआ या रियलाइजेशन हुआ, लेकिन आप इसमें खुलासा कर दीजिए। एक्चुअली ये तो लोगों का प्यार है, मुझे खुद तो कुछ, मैं तो अपने कुछ भी नहीं, मैं तो समझता हूँ बोल्ड जिसको बोलते हैं वही अच्छा रहता है। ये तो आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं आप लोगों का। और मैं क्या बोलूँ, और आके जाते जाते आयुषी जी आप और आप दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आने वाले दिनों में, आप लोगों को क्यों, आप अब जो प्रोड्यूसर बनने वाले हो, आप ये बनने वाले हो, तो उसमें क्या आप लोग दर्शकों को मैसेज देना चाहते हो? यार आ रहा है, जा रहा है। सबसे पहले तो मेरा जन्मदिन है, तो मैं आप सभी को तहे दिल से, एक लेट कर दो ना, वाइट कर दो, सबको तहे दिल से धन्यवाद कि मेरे बर्थडे और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, उन सबको तहे दिल से प्रणाम, जैसे प्यार देते आए वैसे ही देते रहिए बस। मैं अपना मेहनत करूँगी। आयुषी जी एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किस कैसे करेक्टर आप निभाना चाहते हो अगर एज ए एक्ट्रेस? मैं एज एन एक्ट्रेस थोड़ा सा डिफरेंट करेक्टर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जिस एज में हूँ या जो मेरा करेक्टर है वो तो इसलिए मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे एज के अलग है, जो थोड़ा डिफरेंट करेक्टर है, वो चैलेंजिंग होता है क्योंकि उस करेक्टर को करना बहुत ही चैलेंजिंग है, तो उस टाइप का करेक्टर मैं करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा आलिया भट्ट जी की
अच्छी चीज़ों के लिए। तो इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें महसूस भी हैं जिससे हमारे समाज में सुधार हो, लोगों को तरक्की हो, अच्छा मतलब कुछ अच्छा ही है। स्टोरी में भी पूरा रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं। आयुष जी, अगर किसी को बोल्ड मॉडल बोला जाता है, सेक्सी बोला जाता है, तो वो सराहना क्या मतलब उसको गलत बोला जाएगा? वो अपने कैरेक्टर को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी ये सीन कर रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.